आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर शहपुरा गैस प्लांट के पास मंगलवार देर रात ट्रेन के मालगाड़ी के दो वैगन डिग्रेल हो गए। वैगन में लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी भरी थी। जबलपुर स्टेशन से रेल अधिकारी कर्मचारी दुर्घटना राहत ट्रेन से घटना स्थल पहुंचे। मालगाड़ी के रिवर्स होते समय दोनों वैगन पटरी से उतर गए थे। पश्चिम मध्य रेलवे मध्य प्रदेश के सीपीआरओ की ओर से बताया गया कि मालगाड़ी गैस फैक्ट्री के अंदर रैक को खाली करने जा रही थी। दो बोगी पटरी से उतर गए, इससे कोई मुख्य लाइन संचलन प्रभावित नहीं हुआ। मेन लाइन में ट्रेनों की आवाजाही सामान्य है। अधिकारियों की उपस्थिति में सुबह बहाली का काम शुरू हुआ। साइडिंग मालिक ने फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया। बताया जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम गैस से भरी करीब 40 वैगन को लेकर रिवर्स हो रही ट्रेन के दो वैगन अचानक पटरी से नीचे उतरे। घटना की सूचना लोको पायलट ने सीधे शहपुरा भिटौनी स्टेशन और जबलपुर मुख्य स्टेशन में दी, जिसके बाद खतरे का सायरन बजा और फिर दुर्घटना राहत ट्रेन जबलपुर से प्लांट पहुंची। बताया गया है कि सभी वैगन में गैस भरी हुई थी। अगर ट्रेन थोड़ा रफ्तार में होती और तब गैस से भरे वैगन पटरी से उतरते तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। ठीक है।